नमस्कार प्रणाम। नमस्कार। अब तोनी के लगी तो कि हमने पुरान गाना उदीना पुदीना कहला बजावे लग लिया। हाँ। तो मतलब परिचय दे थलिए ई गाना गावल गेले हे अनुपमा यादव के द्वारा। अनुपमा यादव जी गलती है, बहुत बढ़िया सिंगर हथी, हमरा पसंद भी हथु उनकर गला। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया गायकी और अश्लीलता तो भला की चेकआउट ना करके हमने कोई एपिसोड इनका रोस्ट कर ले ही आई, लेकिन निरंतर साथ मिलने ही न हो और तोनी के मिल तो 10 महीना के अंदर के तो भेज दिया है। रेल दे भाई। सही बात। देख ले ला ये हेलो एगो वीडियो जेकरा में एगो कलाकार है, कलाकार हथी बिक्कू नाम है ना, और अनुपमा यादव जी। अभी वीडियो लोग वायरल करके ही देखा वाला चाह है कि अनुपमा इस टाइप की लड़की है, उस टाइप की लड़की है। और खैर वीडियो देखा ला ठीक कर ला, अगर पहले ये भी वीडियो देख ला। दोनों में कोई फर्क अब ना लग लियो समार। अगर हिया से सोचबा तो कुछ ना दिखता हुआ एकरा में। जब ओकरा में हंगामा ना तो एकरा में हंगामा का है। देखिए एक्चुअली बात इस टाइप का है कि अभी कुछ दिन पहले कोई लेडीज के जेंट्स के साथ कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कराया गया था। जब हिया जवान ओकरा में एक शब्द भी नहीं बोला था, पहले प्रमाण के कि फेक है, फेकी हो सकता है। तो आज आपको पता है और दौर पता है कि अनुपमा यादव ऐसी कलाकार है, हालांकि बड़ा हमारा निजी संबंध नहीं है, लेकिन बता देवल चाहेंगे कि लगभग भोजपुरी के हर कलाकार के साथ इनका गाना आता है, चाहे वो खेसारी लाल यादव हो या रितेश पांडे हो या पवन सिंह हो, गाना का। अब इनका जब एक लड़की होकर मेहनत करके मुकाम तक पहुंचने वाली है और बहुत अच्छा कर रही है तो लोग, तो भोजपुरी इंडस्ट्री है बिल्कुल, यहाँ तो लोग बदनाम नहीं करेगा तो फिर सेम एज इट इज जानते हैं किससे मिलता है। एक ठो आई थी अभी, एक ठो और बढ़िया कलाकार थी, नाचती गाती थी भोजपुरी इंडस्ट्री में, खेसारी लाल यादव जी के साथ वो काम करी। ठीक है, पैसा कौड़ी शायद नहीं दिया। अब उनके कास्ट के लोग उनको ट्रॉल करने लगे हैं कि तुम क्यों किसी दूसरे कास्ट के साथ गाना बना रही हो, एल्बम बना रही हो। तो सेम एज इट इज काम हो रहा है अनुपमा यादव के साथ। हम आप लोग को क्लेरिफाई कर देना चाहेंगे, इनके कास्ट के लोग इनको ट्रॉल कर रहे हैं, नीचा दिखाना चाहते हैं। लाइव खूब आद के बोली है और हमने इकरा पर कोई ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम कहने आए हैं कि दूसरी बार, पहली बार हम लोग छोड़ दिए, पहला बार जब इनका वॉयस रिकॉर्ड वायरल हुआ तो हम मगहिया जवान ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि प्रमाण नहीं था कि उसमें अनुपमा यादव ही है। फिर से ये वायरल हो गया। ये बात बताइए, अगर कोई ऐसे हमने प्रैक्टिस कर रहे हैं गाना में तो इकरा में बहुत बड़ा क्या हो गया भाई। अब निजी उनका जिंदगी है, पवन सिंह अक्षरा सिंह का भी प्रैक्टिस दिखाया है, वो वीडियो में आप लोग देखे भी होंगे कि रिकॉर्डिंग भी चल रहा है ना, कोई आदमी हाथ से लेके रिकॉर्डिंग ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, मतलब तभी तो कैमरा इधर उधर जा रहा है। बताना चाहेंगे जो बिक्कू लड़का है वो ऑलरेडी पहले कई गाना अनुपमा यादव जोरे गा चुका है और अक्षरा सिंह के साथ में भी वीडियो बनाया है, एल्बम आ चुका है, तो प्रैक्टिस उन लोग का चल रहा होगा। लेकिन यहाँ तो मूर्ख ऐसे बढ़ गए हैं, भोजपुरी दल्ले की संख्या इतनी बढ़ गई है कि लोग हर दिन किसी न किसी को गिराने का काम कर हो रहा है। हालांकि अनुपमा जी से हमने रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सब चीजें प्राइवेट रहे, प्राइवेसी रहे तो सही है, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहूंगा जो कॉल रिकॉर्ड था वो आज भी प्रमाण नहीं है कि अनुपमा यादव ही थे। और ये बहुत बड़ा ये नहीं वायरल है, देखिए क्या है कि किसी बहन बेटियों के, हर किसी में बहन बेटी होती है और हम लोग बहन बेटियों के लिए ही खड़ा है, किसी को प्रताड़ित मत कीजिए, बहुत मेहनत की है, आगे जाने दीजिए महाराज। और हमनी तो पता हो कि जिक्र और पड़ा ही तो फिर ओकरा डिप्रेस कर दे ही आई, समझ ला कि ना, तो हमनी के गलत ना लगी तो समझ ला, तो हमने चाह ली कि आके थोड़ा बताई आई। बाकी जे तोर व्यू हवा कमेंट में डाल दिया, जरूर दिया है ओकरा, हमने पढ़ लेबे, पढ़ के जरूर बताई भाई। बाकी लोग मेहनत करी थी जी, समझ ला कि ना, एगो निशा उपाध्याय जी हथी, स्नेह उपाध्याय जी हथी, मैथिली ठाकुर जी हथी, मतलब बहुत बिहार की बेटी लोग हथी, कल्पना भी रह चुकला थी, देवी भी रह चुकला थी, मतलब ये सब धरोहर थी। और हम सबसे रिक्वेस्ट और विनती करें कि जैसे मगहिया जवान बिहार में, यूपी में, झारखंड में माँ बहन बेटियों के लिए खड़ा है ना, तो हनियों साथ दा और सम्मान थोड़ा सा रखा हम हनियों के, समझ लहा कि ना। बाकी देखा कि रो ट्रॉल ना करा इस प्रकार के, अच्छा ना है जी महाराज, का हो ले बतैलियो तो, कहा है ना कल के दौर में लोग ऐसी से जब पवन सिंह अक्षरा सिंह लपकी थली तो बहुत बुरा कह दिले। अरे प्रैक्टिस रहे स्टूडियो में, लोग व्यू कमाला डाल दे है, प्रैक्टिस चली था लाए, अब लोग व्यू कमाला डाल दे के हो गए वायरल। वायरल हो गए, पहले ही लगी था लाए कि ऐसा कुछ आवे तो हम कुछ करते हैं बवाल, जकरा लगी थली मिर्ची। और पता होना चाहिए मगहिया जवान व्यू के लिए आज तक काम नहीं करता है, अगर करता तो त्रिशाकर मधु का वीडियो भी देखने को मिलता मगहिया जवान के चैनल पे बिल्कुल। और
अगर लगता है कि वायरल ऑडियो भी देखने को मिलता, लेकिन ना हम त्रिशाकर मधु का वीडियो डाले हैं, ना हम ऑडियो डाले हैं, ना कुछ, क्योंकि हमको व्यू नहीं चाहिए, हम सच बताते हैं। और लड़ाई अपना सिर्फ अश्लील शब्दों से है, अश्लील कलाकारों से है। बाकी देखिए और वीडियो खूब शेयर कीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय मगध, जय बिहार।